नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रैपिड टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं अर्चना। नजर डालते हैं आज की दिन भर की खबरों पर। कोरोना महामारी के बीच लगभग 8 महीने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 3 दिवसीय उत्तर बंगाल दौरे पर आज सिलीगुड़ी पहुंची। सबसे पहले मुख्यमंत्री कोलकाता से हवाई मार्ग होते हुए बागडोगरा पहुंची। बागडोगरा पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग होते हुए उत्तरकन्या के लिए रवाना हुई। मुख्यमंत्री के उत्तरकन्या पहुंचने पर तृणमूल कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। वहीं मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए विभिन्न इलाकों से उमड़ी लोगों की भीड़। प्रशासक अशोक भट्टाचार्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के प्रशासनिक बैठक में नहीं मिला निमंत्रण। सिलीगुड़ी के प्रधाननगर इलाके में मिला एक ही नंबर के 2 वाहन, जांच में जुटी पुलिस। जलपाईगुड़ी हल्दीबारी रोड के रखल देवी इलाके में पलटी यात्रियों से भरी बस, कंडक्टर की मौत, कई यात्री घायल। चोरी के सोने के गहने खरीदने के आरोप में भक्तिनगर पुलिस ने सिलीगुड़ी के अशरफ नगर से स्वर्ण व्यवसायी को किया गिरफ्तार। परिवेश प्रेमी संस्था ऑप्टोपिक ने फुलवारी महानंदा बैरेज में किया वृक्षारोपण। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में पश्चिम बंग तृणमूल शरणार्थी सेल ने सिलीगुड़ी थाने में भाजपा के केंद्रीय सचिव अनुपम हाजरा के खिलाफ की शिकायत दर्ज। तूफानगंज में रिटायर्ड बैंक मैनेजर के घर में डकैती करने के उद्देश्य से आए बदमाशों ने बैंक मैनेजर पर किया जानलेवा हमला। गंभीर हालत में बैंक मैनेजर को अस्पताल में किया गया भर्ती। पुलिस घटना की जांच में जुटी। लापता फॉरेस्ट गार्ड फिलिप्स तिर्की का शव नेपाल के मेची नदी से बरामद। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ बिहार में ऐतिहासिक कृषि बिल 2020 को लेकर गलत प्रचार के खिलाफ, साथ ही कृषि बिल के समर्थन में निकाली गई रैली। बिजनबाड़ी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से लगभग 62 परिवारों ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का दामन थामा। लॉकडाउन के बाद बतासी में फिर से खुला जरूरतमंद लोगों के लिए बिना मूल्य वस्त्र बाजार। रैपिड टाइम्स में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सिलीगुड़ी टाइम्स।